देखो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इसके पहले हम लोग पढ़ते थे लीनियर मोमेंटम, ठीक है। लीनियर मोमेंटम पी इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी एम इनटू वी, ठीक है। लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की डायरेक्शन में, ठीक है। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। जैसे आप पढ़ते थे पहले टॉर्क, ठीक है, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है ना। अब आप ये देखो, अगर किसी बॉडी पर आपने एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, ठीक है, तो मोमेंट, ये फोर्स का काम क्या होगा, इस बॉडी को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर देना, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या कहलाता है, टॉर्क, ठीक है। टॉर्क इक्वल टू कैसे डिफाइन करते थे, टॉर्क का फॉर्मूला क्या लिखते थे, आर क्रॉस एफ, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ। बिल्कुल ऐसे ही मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला होता है आर क्रॉस पी, ठीक है। देखो एंगुलर मोमेंटम हमें थ्री टाइप का पढ़ना है। सबसे पहला है एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। देखो एक हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट हो गया U, ठीक है ना, और एक पार्टिकल ये है, इसका मास है m और ये v वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो हमें इस पार्टिकल का इस पॉइंट के अबाउट फाइंड करना है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फाइंड करना है इसका लीनियर मोमेंटम, कितना होगा लीनियर मोमेंटम, पी इक्वल टू एम बी, ठीक है, ये क्या कहलाएगा इसका लीनियर मोमेंटम। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट से इसको मिलाना है, ठीक है। इस पॉइंट से जो पार्टिकल है उसको इस पॉइंट से मिलाओ, ये आपने मिला दिया, ये कहलाएगा आर। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ये होगी, और मोमेंट की मोमेंटम, ठीक है ना, लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन कौन सी होगी, लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की डायरेक्शन में, ठीक है ना। यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस मास अबाउट पॉइंट O, L इक्वल टू R क्रॉस P, ठीक है। अब आप ये देखो L, R क्रॉस P को आप क्या लिख सकते हो, R P साइन थीटा। देखो ये बात क्लियर समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इसको आप लिख सकते हो आर पी साइन थीटा, किसी को डाउट तो नहीं इतने में। अब थीटा कौन सा एंगल है, आर और पी के बीच में बनने वाला एंगल, ठीक है ना, ये वाला एंगल है थीटा। यहां से अगर हम देखें तो ये वाला एंगल है थीटा, ठीक है। अब आप ये बताओ, इसको थोड़ा सा इस तरह भी ले सकते हैं, पी और अभी बेटा वो भी आने वाला है, L इक्वल टू आई ओमेगा भी आने वाला है, ठीक है ना। अभी आप ये देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसे कहते हैं एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। अभी हम किसका फाइंड कर रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पॉइंट मास अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, अब आप ये देखो आर साइन थीटा क्या कहलाएगा, तो आप ये देखो ये है आर, ठीक है ना, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये वाली जो साइड है ये वाली कहलाएगी आर परपेंडिकुलर इक्वल टू आर साइन थीटा, या हम इसको लिख लेते हैं आर डॉट, ठीक है ना। और ये वाला क्या कहलाएगा, यहां से यहां तक ये कहलाएगा आर कॉस थीटा, ठीक है ना, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू पी, इसमें काय का मल्टीप्लाई करना है आर परपेंडिकुलर, ठीक है ना, पी की वैल्यू कितनी होगी एम बी, तो एल इक्वल टू क्या आ जाएगा एम थी
आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर इक्वल टू आर साइन थीटा, इसको हमने लिख दिया आर नॉट, ठीक है ना। ये होगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। अब आपको बताए थे एल एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी ये कौन सा वेक्टर होगा, एक्सियल वेक्टर, ठीक है ना। डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे, आर क्रॉस पी, आर को पी की ओर घुमाना है, ठीक है ना। फर्स्ट वेक्टर है आर, आर ये वाला होगा, ठीक है। पी की डायरेक्शन ये होगी वी की डायरेक्शन, तो आप राइट हैंड का यूज कर सकते हो, राइट हैंड थंब रूल का, ठीक है ना। राइट हैंड का थंब और फिंगर एक दूसरे के 90 डिग्री रखो, फिंगर्स को रखो आर की डायरेक्शन में और इसको पी की ओर घुमाओ, अंगूठा जहां भी जाएगा वो डायरेक्शन होगी एल की डायरेक्शन। दूसरा, फर्स्ट वेक्टर को सेकंड की ओर घुमाते हैं, ठीक है ना। आर क्रॉस पी, फर्स्ट वेक्टर है आर, ठीक है, आर को पी की ओर घुमाया, क्लॉकवाइज जाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, अगर क्लॉकवाइज आए तो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड और एंटी क्लॉकवाइज आए तो परपेंडिकुलर अपवर्ड। तो इस केस में क्या हो रहा है, देखो आर को परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, ठीक है ना, आर को पी की ओर घुमा क्लॉकवाइज जाएगा तो होगा परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, ठीक है ना। तो ये इसकी डायरेक्शन आ गई और एल की ये वैल्यू हो गई एम वी आर नॉट, ठीक है ना। आर नॉट समझ में आ रहा है कौन सी वैल्यू है, आर नॉट परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किस पॉइंट से लेके, पी से लेके जिस पॉइंट के अबाउट आपको नोटेट करना है वहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक्स और वाई दो एक्सिस दिए गए हैं, एक पार्टिकल है जिसका मास है एम, वी वेलोसिटी से एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट ओरिजिन। चार ऑप्शन दिए हैं, जीरो, फर्स्ट ऑप्शन है जीरो, सेकंड है कांस्टेंट, थर्ड है गोज ऑन इंक्रीजिंग और फोर्थ है गोज ऑन डिक्रीजिंग। ये हमने क्या बताया था आपको, ये पार्टिकल चल रहा है इसका इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं। तो आप ये देखो एंगुलर मोमेंटम निकालने का फार्मूला आपको याद रखना है, अब एल इक्वल टू एम वी आर नॉट, ठीक है ना, ये फार्मूला आ गया। एक बात और है, एंगुलर मोमेंटम भी एक जनरल टर्म है, इसके लिए रोटेशन होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना, ये एक जनरल टर्म है। अब आप ये देखो एल इक्वल टू आ गया एम वी आर नॉट, आर नॉट क्या कहलाती है, इस पार्टिकल की यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। देखो अगर हम इसको इससे मिला दें तो ये डिस्टेंस तो होगी आर, ठीक है ना, इसको अगर हम पार्टिकल से मिला दें तो ये डिस्टेंस होगी आर, कौन सी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कहलाएगी आर, लेकिन हमें क्या लेना पड़ता है, आर परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो आर नॉट कौन सी डिस्टेंस होगी, यहां से देखो इस पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। तो इसके लिए आप इस लाइन को आगे बढ़ा दो, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये कहलाएगा आर नॉट इस इंस्टेंट पर, ठीक है। थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल थोड़ा और आगे चला जाएगा, ठीक है ना, यहां से यहां चला गया, उसी वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। तो आर क्या होगा, अब इस पार्टिकल से इसको मिला दो, ये कहलाएगा आर, लेकिन आर नॉट कौन सी डिस्टेंस होगी, आर नॉट कहलाती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इस पॉइंट की इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिर से वही होगी, पार्टिकल कहीं भी चला जाए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से हमेशा आर नॉट ही होगी, ठीक है, कांस्टेंट ही रहेगी। तो इसका एंगुलर मोमेंटम ओरिजिन के अबाउट कांस्टेंट होगा, ठीक है ना, इसका आंसर होगा एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन विल बी कांस्टेंट। एक एम मास का पार्टिकल है एक्स वाई एक्सिस के साथ, तो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाकर इसको प्रोजेक्ट करते हैं, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है यू, ठीक है। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो इस पार्टिकल का ओरिजिन के अबाउट आपको फाइंड करना है एंगुलर मोमेंटम और ओरिजिन के अबाउट आपको फाइंड करना है टॉर्क, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, जब ये पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो इस पार्टिकल का ओरिजिन के अबाउट या पॉइंट ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा और इसका टॉर्क क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो आप ये देखो जैसे ही पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी फाइंड करने के लिए यहां पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे,
ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी है u, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v, ठीक है। अब अगर हाईएस्ट के अलावा कोई दूसरा पॉइंट होता तो हमें फाइंड करनी होती x एक्सिस की वेलोसिटी अलग और y एक्सिस की वेलोसिटी अलग, लेकिन हमें यह दिखाई दे रहा है टोटल वेलोसिटी केवल x एक्सिस की वेलोसिटी होगी, ठीक है ना। कैसे फाइंड करते हैं, v इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। x डायरेक्शन की बात हो रही है तो आप इस इक्वेशन को अप्लाई कर दो x डायरेक्शन में, vx इक्वल टू हो जाएगा ux प्लस ax t, ax की वैल्यू हमेशा होती है जीरो, ठीक है। तो vx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ux इक्वल टू u cos थीटा, ठीक है। तो इस पॉइंट पर पहुंचते पहुंचते इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, u cos थीटा, पार्टिकल की वेलोसिटी आपको मालूम है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब आप ये देखो, इस पार्टिकल का इसके अबाउट निकालना है हमें एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या फाइंड किए हैं, एल इक्वल टू एम वी आर नॉट। आर नॉट कौन सी डिस्टेंस होती है, इस पार्टिकल की इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। तो वैसे आर की वैल्यू क्या होगी, आर मतलब दोनों पार्टिकल को मिला दिया, ठीक है ना। तो आर क्या कहलाएगा, आर तो ये कहलाएगा, लेकिन हम लोग आर नहीं लेते हैं, हम लोग लेते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, इस पार्टिकल से यहां पर, ठीक है, इसको आपने पीछे बढ़ाया, ये वाली डिस्टेंस कहलाएगी आर नॉट, ठीक है। आर नॉट की वैल्यू किसके इक्वल होगी ये बताओ, आर नॉट की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये होगी मैक्सिमम हाइट के इक्वल, ठीक है। तो एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम भी की जगह क्या लिखेंगे आप, यू कॉस थीटा, और आर नॉट की जगह क्या लिखेंगे, मैक्सिमम हाइट, ठीक है, एच। अब आप ये देखें, एल इक्वल टू एम यू कॉस थीटा, और मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या होता है सबको मालूम होगा, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर टू जी, ठीक है ना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, क्लियर है इतना। तो l इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, m u टू दी पावर 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा ओवर 2g, ठीक है। ये कहलाएगा एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बताओ। अब एक बार ये क्वेश्चन आईआईटी के एग्जाम में आया था और उसमें एंगल की वैल्यू दे दी थी, इनिशियल एंगल 45 डिग्री, ठीक है ना। तो 45 दिया है तो आप वैल्यू रख के एल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होगी इसमें। हाइएस्ट पॉइंट का, जब यह पार्टिकल हाइएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो इस पार्टिकल का ओरिजिन के अबाउट टॉर्क हमें फाइंड करना है। तो आप ये देखो, हाईएस्ट पॉइंट पर इसका एक ही फोर्स लग रहा होगा, इसका वेट कितना लग रहा होगा, mg परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, और टाउ इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स कितना हो गया mg, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी कहलाएगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ठीक है ना। और ये वैल्यू क्या होगी, हॉरिजॉन्टल रेंज का हाफ, यहां से लेके यहां तक कहलाएगी हॉरिजॉन्टल रेंज, ये इसका कहलाएगा हाफ, ठीक है ना। तो टाउ इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम जी आर की वैल्यू यू स्क्वायर साइन टू थीटा ओवर जी, ठीक है ना, साथ में टू भी है तो टू लिख दो, ये कहलाएगा टॉर्क। एम ये भी वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, और ए और बी के बीच की डिस्टेंस है एल, बी और सी के बीच की डिस्टेंस भी है एल, और बी पॉइंट से पार्टिकल की अभी डिस्टेंस है एल, ठीक है। इनिशियल पोजीशन t इक्वल टू जीरो पर ही l डिस्टेंस पर है, अब ये पार्टिकल चल रहा है तो आपको फाइंड करना है, फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट a b एंड c, ठीक है ना। इस पार्टिकल का पॉइंट a, पॉइंट b और पॉइंट c के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, क्लियर है इतना। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं इस पार्टिकल का पॉइंट a के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, इसको लिख ले रहा एल ए, क्या होगा एम वी आर नॉट, एम वी आर नॉट कौन सी डिस्टेंस कहलाएगी,
इस पार्टिकल को पीछे ले जाओ और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है ना। ये डिस्टेंस कहलाएगी आर नॉट, तो आर नॉट किसके इक्वल होगी, एल के इक्वल, ठीक है। अब देखनी है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन क्या होगी, आर की डायरेक्शन कौन सी होगी, देखो ये है पार्टिकल, एम मास का पार्टिकल है, वी वेलोसिटी से चल रहा था, ये वाला पॉइंट हो गया ए, ठीक है। तो आर नॉट क्या कहलाएगा, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू कहलाएगी आर नॉट, ठीक है ना। अब आपको बताए थे डायरेक्शन कैसे देखते हैं, तो डायरेक्शन होती है एल इक्वल टू आर क्रॉस पी। आर कहां से होता है, पॉइंट से, ठीक है ना, जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है उस पॉइंट से पार्टिकल को मिला दो, ठीक है ना। तो आर कैसे निकाल सकते हो आप, यहां से यहां मिला दो, ठीक है ना। ये डायरेक्शन होगी आर की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है वी की। अब आर को वी की ओर घुमाओ, ठीक है ना, आर को वी की ओर घुमाओ, ठीक है। कैसा आ रहा है, परपेंडिकुलर अपवर्ड, ठीक है ना। इसकी डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर अपवर्ड, ठीक है। अब इस पार्टिकल का बी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, पार्टिकल को पीछे बढ़ाते हैं और ये पार्टिकल उसी पॉइंट से होके पास होता है, ठीक है। जब पार्टिकल उसी पॉइंट से होके पास हो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी जीरो, एल बी होगा जीरो, ठीक है। मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट पॉइंट सी, ठीक है। पॉइंट सी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो आप इसको फिर से पीछे बढ़ाओ, ठीक है। यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालो तो कितना आ जाएगा, एम वी एल, वैल्यू तो वही होगी। अब निकालनी है डायरेक्शन, तो आप कैसे फाइंड करोगे, आर की डायरेक्शन क्या होगी, सी पॉइंट से इसको मिला दो, ठीक है। ये हो गया आर, ये होगी आर की डायरेक्शन, ये है वी की डायरेक्शन। आर को वी की ओर घुमाओ, कैसा आ रहा है, क्लॉक वाइज की एंटी क्लॉक वाइज, ये आएगा क्लॉक वाइज, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, ठीक है। या फिर वेक्टर में इस तरह से आप कर सकते हो, देखो अंगूठा आपका पीछे साइड जा रहा है, या आपने आर को वी की ओर घुमाया, ठीक है ना, अंगूठा पीछे साइड है, तो जो डायरेक्शन अंगूठे की होती है वही डायरेक्शन होगी एल की डायरेक्शन, ठीक है ना, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड ओ। और इसके चारों तरफ एक पार्टिकल घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है इसका ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, एक पार्टिकल है, इसका मास है एम, ये भी स्पीड से, वेलोसिटी हम नहीं बोल रहे क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, ठीक है ना। तो इसकी स्पीड है भी कांस्टेंट स्पीड है, इससे इस पॉइंट के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहा है, इसकी रेडियस है आर, ठीक है ना। तो हमें अलग अलग पॉइंट पर फाइंड करना है इसका एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। तो अभी हम देखते हैं जिस पॉइंट पर ये है, इस पॉइंट पर हम वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो ये हो गया ओरिजिन, ठीक है, सॉरी ये हो गया इसका सेंटर, और पार्टिकल कहां जा रहा है, पार्टिकल भी वेलोसिटी से इस तरफ जा रहा है, ठीक है ना। वेलोसिटी फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो पार्टिकल है एम, ठीक है, वेलोसिटी कितनी है इसकी, भी एम भी की डायरेक्शन या पी की डायरेक्शन ये आ चुकी है। आर कैसे फाइंड करेंगे, आर कैसे फाइंड करोगे, इस पॉइंट से इसको मिला दो, ठीक है, ये कहलाएगा आर। डायरेक्शन कैसी होगी, ये होगी आर की डायरेक्शन, ठीक है ना। अब हमें क्या फाइंड करना है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट ओ, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा, एम भी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, इसमें जो रेडियस है वही इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी आर, ठीक है ना। अब आप लोग देखो डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसी आ रही है, आर को पी की ओर घुमाओ, परपेंडिकुलर अपवर्ड, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपवर्ड। अब ये पार्टिकल यहां से चलते चलते किसी दूसरे पॉइंट पर पहुंच गया, ठीक है ना, यहां से चलते चलते ये पार्टिकल यहां आ गया, ठीक है ना। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह से पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। अब आप ये देखो, ये पॉइंट ए ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट हो गया बी। अब ये पार्टिकल पॉइंट बी पर पहुंच गया, ठीक है। अब इस पार्टिकल का ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, देखो कितना होगा एंगुलर मोमेंटम,
एल इक्वल टू, ऊपर वाले को एल ही लिखे ले रहे, इसको लिखे ले रहे एल बी, ठीक है ना। तो एल बी कितना होगा, एम भी, ठीक है, एम भी इंटू क्या लिखना पड़ेगा, एम भी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी आर, ठीक है ना। अब आप इधर इसकी डायरेक्शन देखो, ठीक है ना, डायरेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हो गया आर, ये इसकी डायरेक्शन है, आर को पी की ओर घुमाओ, देखो फिर से डायरेक्शन कैसी आ रही है, परपेंडिकुलर अपवर्ड। किसी भी पॉइंट पर आप चेक कर सकते हैं, ये लौट के घूम के यहां पर आ गया, इस साइड जा रहा है, ठीक है ना। तो एल सी, एल सी की वैल्यू क्या होगी, एम भी, इसमें भी आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली होगी, आर यहां पर है, पी ये है, ठीक है ना। अब एल की डायरेक्शन क्या होगी, आर क्रॉस पी, आर को पी की ओर घुमाओ, इसमें भी कैसा आया, परपेंडिकुलर अपवर्ड, ठीक है ना। किसी भी केस में आप ये देखोगे वैल्यू और डायरेक्शन दोनों एक ही होगी। इसका क्या मतलब हुआ, अगर कोई एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से मूव होता है तो उसका ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी, ठीक है। पढ़ रहे थे ये क्या था, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पॉइंट मास अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। अब इसका सेकंड टाइप है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट ए फिक्स एक्सेस, ठीक है ना, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट एनी रोटेशनल एक्सिस, ठीक है। एक कोई बॉडी है, ये बॉडी है, इसका मास है कैपिटल एम, और ये बॉडी एक्स वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है, ठीक है। तो इसका एक्स वाई एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैसे फाइंड करेंगे, ये आप देख लो, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, इस बॉडी को बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ मान सकते हो, जिनके मास है एम, और इनकी रोटेशनल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर वन, आर टू, आर थ्री, इस तरफ भी होगा आर फोर, ठीक है ना। ऐसे ही होगा कि नहीं होगा, ऐसा मान सकते हैं। तो आप ये देखो, पूरी बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस क्या होगा, L इक्वल टू एल वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री, इन सबका फैक्टर सम, क्लियर है इतना। अब L की वैल्यू क्या आएगी, देखो एम वन, सॉरी एम एम भी वन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर वन, दूसरे वाले का एम भी टू आर टू एंड सो ऑन, ठीक है। अब भी की वैल्यू आपको मालूम है, भी इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा, ठीक है। भी की वैल्यू क्या होती है, भी इक्वल टू आर ओमेगा, तो आप क्या लिख सकते हो, एम आर, आर वन ओमेगा, ओमेगा सबके लिए कांस्टेंट होगा, तो ये हो जाएगा एम आर वन स्क्वायर ओमेगा प्लस एम आर टू स्क्वायर ओमेगा एंड सो ऑन, ठीक है। अब आप इसमें से क्या करोगे, अब इसमें से आप ओमेगा कॉमन ले लो, ठीक है ना। ओमेगा आपने कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, सिग्मा एम आर स्क्वायर, ठीक है, और सिग्मा एम आर स्क्वायर कहलाता है आई, तो ये हो जाएगा आई ओमेगा, ठीक है। तो अगर कोई रिजिड बॉडी किसी एक्सिस के चारों तरफ घूम रही है तो इसका एंगुलर मोमेंटम होता है आई इंटू ओमेगा, ठीक है। जैसे हम लोग लीनियर मोशन में पढ़ते थे, लीनियर मोमेंटम पी इक्वल टू एम इंटू भी, बिल्कुल उसी तरह से आ गया, एंगुलर मोमेंटम आई इंटू ओमेगा। इसके बाद इसका थर्ड टाइप है, कंबाइंड रोटेशनल प्लस ट्रांसलेटरी मोशन। जैसे एक कोई बॉडी है, किसी भी शेप की बॉडी हो सकती है, ये रोटेट करते हुए आगे जा रही है, मतलब इसका मोशन प्योर रोलिंग मोशन है, ठीक है ना। अब इसका हमें किसी एक पॉइंट ओ के अबाउट निकालना है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है।
पास में आ रही कि नहीं आ रही? इसमें कंबाइंड ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी मोशन है, जैसे ये आप देख सकते हैं इस तरह का मोशन, देखो ये बॉडी है ठीक है, और ये इस तरह से रोलिंग करते हुए आगे जा रही है ठीक है ना, घूमती भी जा रही है और यहां से आगे जा रही है, ये वाला मोशन ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसमें आप ये देखो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, ये देखो इस बॉडी का इसका मास है और ये इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है भी, ठीक है ना। तो ये घूमता जा रहा, आगे भी बढ़ रहा है, जैसे गाड़ी का टायर ठीक है ना, घूमता भी जा रहा आगे भी जा रहा है ठीक है। तो आप ये देखो इसमें क्या होगा, इसका एंगुलर मोमेंटम होगा अबाउट वो एल इक्वल टू एल सी एम प्लस एम वी आर। चलो ये आप देखो ठीक है ना, ये बॉडी इस पर रोलिंग करते हुए जा रही है देखो ठीक है ना, ये बॉडी देखो रोलिंग करते हुए चली जा रही है ठीक है। अगर ये अपने ही एक्सेस पे घूमता तो सेकंड टाइप हो गया, अपने ही एक्सेस पे घूमता तो सेकंड टाइप होगा, लेकिन अगर ये रोलिंग करते हुए जा रही ये देखो इस तरह से, तो ये थर्ड टाइप हो गया। इसमें कंबाइंड ट्रांसलेटरी मोशन भी है, देखो इसका सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है ठीक है। देखो बात समझना, ये आप देखो इसको अपन मान ले रहे सेंटर ऑफ मास, इस पॉइंट को, ये पॉइंट हो गया इसका सेंटर ऑफ मास। तो ये देखो बॉडी आगे भी चलती जा रही, ये बॉडी आगे जा रही है ना, तो सेंटर ऑफ मास आगे चल गया, प्लस ये बॉडी रोटेट भी हो रही है ठीक है ना। देखो रोटेट भी हो रही है, रोटेशनल भी है प्लस ट्रांसलेशनल, दोनों एक साथ हैं ठीक है। इतना क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा ये बताओ। तो इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला क्या होगा, एल इक्वल टू एल सी एम प्लस एम वी आर ठीक है ना, एम वी आर वेक्टर कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो एम वी आर नॉट। अब ये एम वी आर नॉट क्या है, तो आप ये देखो फिर आपको क्या लेना है, इस पूरी बॉडी के मास को सेंटर ऑफ मास पे रखा हुआ मान लो और ये भी वेलोसिटी से आप चलाओ, और इसका इस पॉइंट के अबाउट क्या ले लो, एंगुलर मोमेंटम, जैसे अभी तक हम लोग इस केस में पढ़ रहे थे ठीक है ना। बॉडी का मास हो गया m, ये v वेलोसिटी से आगे जा रही है, ये पॉइंट o हो गया, ये डिस्टेंस कहलाएगी r और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाएगी r नॉट ठीक है, हो रहा है क्लियर। दूसरा सेंटर ऑफ मास के अबाउट आपको लेना है LCM, एंगुलर मोमेंटम, इसकी वैल्यू होगी i ओमेगा, जो हमने सेकंड केस में लिया था, और प्लस एम वी आर नॉट ठीक है ना, जो हमने फर्स्ट केस में लिया था, दोनों का कॉम्बिनेशन कर दो तो आ जाएगा इसका एंगुलर मोमेंटम पॉइंट ओ। इस डिस्क का पॉइंट ओ के अबाउट निकालना है एंगुलर मोमेंटम ठीक है। तो आप ये देखो इसमें एक साथ दो मोशन है, कंबाइंड ट्रांसलेटरी मोशन प्लस रोटेटरी मोशन ठीक है ना। देखो इस तरह का मोशन आपको दिखाई दे रहा है, तो फार्मूला क्या होगा, एल इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। डिस्क का आई कितना होता है, डिस्क का आई कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम एम आर स्क्वायर बाई टू या वन बाई टू एम आर स्क्वायर ठीक है ना, इंटू ओमेगा प्लस एम वी आर नॉट। कैसे फाइंड करेंगे, अब आप क्या मान लो कि एम मास का एक पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट मास है जिसका मास है एम ठीक है ना, आप इसको पूरे डिस्क के मास को इस पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास पर रखा हुआ मान लो, और इसका वो पॉइंट के अबाउट निकालना है आपको एंगुलर मोमेंटम। कैसे फाइंड करते थे, एम वी आर नॉट ठीक है ना, एम सेंटर ऑफ मास कितनी वेलोसिटी से चल रहा है वी, और आर नॉट की वैल्यू क्या कहलाएगी, रेडियस के इक्वल ठीक है ना। यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब आपको मालूम है वी इक्वल टू आर ओमेगा ठीक है, प्योर रोलिंग के केस में वी इक्वल टू होता है आर ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी ओवर आर, इसको आप लिख दो एल इक्वल टू वन बाई टू एम ठीक है, आर स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी वी ओवर आर प्लस एम वी आर
ठीक है। एक बात और इसमें चेक करनी पड़ती है, इसकी डायरेक्शन कैसी है, ठीक है ना। तो आप ये देखो MBR की डायरेक्शन कैसी है, MBR की डायरेक्शन कैसे निकालोगे, ये होगी R की डायरेक्शन, सॉरी R की डायरेक्शन कैसे निकालोगे, पॉइंट O से इसको मिलाओगे, ठीक है ना, पॉइंट O से इस पार्टिकल को मिलाओगे, ये कहलाएगी R, ठीक है ना। और इसके घूमने की डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज, देखो R को P की ओर घुमाओ, ठीक है ना, तो ये कैसा आएगा, परपेंडिकुलर अपवर्ड, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, ये भी क्लॉकवाइज है, ठीक है। जो डिस्क है ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है, और एंगुलर मोमेंटम भी क्लॉकवाइज आया, तो दोनों को ऐड कर सकते हो, और अगर अपोजिट डायरेक्शन आएंगे तो आपको इसको सबट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। तो आप ये देखो कितना हो जाएगा, फिर एक मिनट देख लो बेटा, एक बार चेक कर लो, यह आ जाएगा 3/2 MVR, ठीक है ना, ये इसमें आ जाएगा इसका आंसर। एक एक डिस्क है, इसका मास है m, रेडियस है r, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी दी है वी नॉट, और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोलिंग करते हुए आगे जा रही है, इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है अबाउट पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, ठीक है। यहां तक क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हमने आपको बताया था अगर किसी बॉडी में एक साथ दो मोशन हो, कौन कौन से, ट्रांसलेटरी भी हो और रोटेशन मोशन भी हो, ठीक है ना, मतलब ये लुढ़कते हुए आगे जा रही है, ठीक है, किस तरह से आगे बढ़ रही है ये, कुछ इस तरह से आगे बढ़ रही है, देखो मोशन समझ में आ रहा है इसका, इस तरह से ही आगे जा रही है, ठीक है ना, रोलिंग करती हुई आगे जा रही है। इसमें एक साथ दो मोशन है, कौन कौन से, ट्रांसलेटरी भी है और रोटेशनल मोशन भी है, इसका आपको पॉइंट ए बी और सी पॉइंट के अबाउट निकालना है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, हो रहा है क्लियर क्वेश्चन। चलो अब बेटा आप इसमें देखो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए, तो रोलिंग के केस में हमने आपको बताया था एल ए का फार्मूला क्या होता है, एल सेंटर ऑफ मास प्लस एम वी आर नॉट, ठीक है ना, आर नॉट कौन सी डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब आप इसमें ये देखो सबसे पहले LCM क्या होगा, ये बॉडी इस तरह से रोलिंग करती हुई जा रही है, तो LCM की वैल्यू होती है I into omega। अब आप ये देखो ये क्लॉकवाइज घूम रही है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, क्लॉकवाइज, इसको आप लिख लो क्लॉकवाइज, प्लस एम वी आर नॉट, इसके लिए आप ये देखो पॉइंट ए यहां पर है और आपको सिर्फ इसका सेंटर ऑफ मास लेना है, देखो पॉइंट ए यहां पर है, सेंटर ऑफ मास ये हो गया, ये कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, वी नॉट वेलोसिटी से, ठीक है ना। तो अब आप ये बताओ एम वी आर नॉट कितना होगा, एम वी की वैल्यू हो जाएगी वी नॉट, और आर नॉट कौन सी डिस्टेंस कहलाएगी, इससे इसको आप मिलाएंगे तो ये तो कहलाएगा आर, आर नॉट कौन सी डिस्टेंस होगी, आर नॉट डिस्टेंस होती है इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, तो कौन सी डिस्टेंस होगी यहां पर, ये वाली, ये कहलाएगा आर नॉट, ठीक है ना, तो एम भी आर नॉट आपको लिख देना है, ठीक है ना, आर नॉट की वैल्यू कितने के इक्वल होगी, आर के ही इक्वल होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितनी है आर, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। अब इसकी डायरेक्शन देखनी है क्लॉकवाइज रोटेशन है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो आप ये बताएं आर को हम यहां से आगे बढ़ाते हैं, डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, पॉइंट ए से पार्टिकल को आपने मिलाया, ये हो गया वेक्टर आर, और ये वाला हो गया वी नॉट की डायरेक्शन में हो गया वेक्टर पी, ठीक है ना, हम लोग क्या लिखते थे आर क्रॉस पी, आर को पी की ओर घुमाओ,
ठीक है, क्लॉक वाइज आ रहा है कि एंटी क्लॉक वाइज आ रहा है? देखो क्लॉक वाइज, ठीक है ना, ये भी क्लॉक वाइज है, ये भी क्लॉक वाइज है, दोनों ऐड हो जाएंगे। और अगर एक क्लॉक वाइज दूसरा एंटी क्लॉक वाइज होता तो एक में से दूसरे को माइनस कर देते, ठीक है। यहां तक बात समझ आ रही है? आई की वैल्यू क्या होगी, आई किसके अबाउट लेना है, जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट हो रही है, तो किसके अबाउट रोटेट हो रही है बॉडी, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? हाँ देखो, जिसकी वैल्यू भी बड़ी हो, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस करना है। अगर क्लॉक वाइज बड़ा होगा तो क्लॉक वाइज में से एंटी क्लॉक वाइज माइनस करना, ये डिपेंड करेगा कंडीशन कैसी है, ठीक है। आ रही बात समझ में? जनरली हम लोग एंटी क्लॉक वाइज को लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है ना। एंटी क्लॉक वाइज को माना जाता है पॉजिटिव, क्लॉक वाइज को माना जाता है नेगेटिव। चलो अब आप इसमें देखो, आई इंटू ओमेगा, आई की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 एम आर स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा की वैल्यू ओमेगा ही रहने दो, ठीक है ना, ओमेगा की जगह ओमेगा ही रहने दो, प्लस ये प्लस हो जाएगा, तो आप क्या लिखोगे, एम वी नॉट आर, ठीक है। आप चाहो तो ओमेगा को लिख दो वी इक्वल टू आर ओमेगा, तो आर ओमेगा इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर, ठीक है ना। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बताओ, क्लियर हो गया यहां पे? चलो अब हम निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम अबाउट, ये तो हो गया पॉइंट ए। अब एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट बी, ठीक है। तो आप ये देखो पॉइंट बी के अबाउट फार्मूला वही होगा, एल सी एम प्लस एम वी आर नॉट, ठीक है ना। तो आप ये देखो इसमें सिर्फ आएगा एल सी एम, एम वी आर नॉट क्यों नहीं आएगा? देखो पॉइंट बी यहां पर है और सेंटर ऑफ मास, हाँ, इसमें आर नॉट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। बी के लिए आर नॉट की वैल्यू जीरो होगी, तो एल वी इक्वल टू आएगा ओनली एल सी एम, ठीक है। और एल सी एम की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, हाफ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, ठीक है। ये हो गया एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट बी। अब किसके लिए फाइंड करना है हमें, अब हमें फाइंड करना है एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट सी। किसमें बेटा? इसमें डायरेक्शन केवल, डायरेक्शन क्या होगी, केवल क्लॉक वाइज चला जा रही है ना, और तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। बी के लिए बता रहे हैं, बी के लिए सिर्फ हमें ये देखना है कि इसका रोटेशन कैसा है, ठीक है ना। रोटेशन कैसा है क्लॉक वाइज, तो क्लॉक वाइज रोटेशन में डायरेक्शन क्या आती है, एल की परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, ठीक है ना। चलो डायरेक्शन क्या होगी, ओनली क्लॉक वाइज, ठीक है, क्लॉक वाइज कह दो। इसके बाद एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट सी, पॉइंट सी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। तो आप ये देखो फार्मूला वही होगा, एल सी एम, एल सी एम में कोई चेंज नहीं आएगा, हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा, ठीक है ना। और ये कैसा होगा, क्लॉक वाइज प्लस। अब आप ये देखो पॉइंट सी यहां पर है, पॉइंट सी यहां पर है और सेंटर ऑफ मास यहां पर है, सेंटर ऑफ मास यहां पर है, वी नॉट वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है ना। तो फार्मूला क्या होता था, आर क्रॉस पी, आर की डायरेक्शन क्या होगी, इससे इसको मिलाएंगे, ये डायरेक्शन कहलाएगी आर की और ये डायरेक्शन कहलाएगी पी की, ठीक है ना। आर को पी की ओर घुमा के देखो कैसा जा रहा है, क्लॉक वाइज की एंटी क्लॉक वाइज, किस एंटी क्लॉक वाइज होगा, ठीक है ना। तो यहां पर एम वी नॉट आर, आर नॉट की वैल्यू हो जाएगी आर, ठीक है ना। और ये कैसा आएगा, एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, यहां तक क्लियर हो गया? तो अब हम क्या करेंगे, जो भी बड़ा होगा क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज में से, अगर प्योर रोलिंग है तो हम इसमें क्या करेंगे, वी नॉट इक्वल टू क्या लिखेंगे, आर ओमेगा, ठीक है ना। वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर ओमेगा, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी नॉट ओवर आर, तो ओमेगा की जगह आप ले सकते हैं वी नॉट ओवर आर, लिखते हैं यहां पे, ये हो जाएगा वी नॉट
ओवर आर। अब बेटा आप ये चेक करो कि दोनों में से कौन सा बड़ा है। देखो आर से आर कैंसिल हो गया, ये क्या आ जाएगा एम वी नॉट आर अपॉन टू, और ये आ जाएगा एम वी नॉट आर। ठीक है ना, एंटी क्लॉक वाइज मोशन बड़ा है कि क्लॉक वाइज बड़ा है, एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है ना, तो एल सी क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दो एंटी क्लॉक वाइज वाले में से क्लॉक वाइज को, तो क्या बचेगा वन बाई टू एम वी नॉट आर, डायरेक्शन क्या हो जाएगी एंटी क्लॉक वाइज। फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अबाउट ओ, ओ के अबाउट निकालना है आपको इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम। देखो लाइट रॉड गिवन है, मतलब रॉड का कोई भी क्या नहीं होगा, रॉड का कोई मास नहीं होगा, तो यहां पर रॉड के बारे में हमें कुछ नहीं करना। ठीक है ना, अब आप ये देखो एल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्योर रोटेशन मोशन है, एल इक्वल टू हो जाएगा आई इन टू ओमेगा। ठीक है ना, आई की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अबाउट टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले मास का क्या होगा, या आप इसको ले सकते हैं आई वन प्लस आई टू इन टू ओमेगा। ठीक है ना, इस तरह से भी आप ले सकते हैं। आई वन क्या होगा, पॉइंट मास का, पॉइंट मास का किसी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई इक्वल टू होता है एम आर स्क्वायर। आर क्या कहलाती है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां पर डिस्टेंस क्या होगी एल वाई टू, तो एम एल वाई टू का स्क्वायर प्लस एम एल वाई टू का स्क्वायर, ठीक है, इन टू ओमेगा। क्लियर है इतना। अब आप ये देखो एम एल स्क्वायर बाई फोर प्लस एम एल स्क्वायर बाई फोर, ये क्या आ जाएगा टू एम एल स्क्वायर बाई फोर, यानी एम एल स्क्वायर ओवर टू। ठीक है ना, इन टू ओमेगा। ठीक है, ये इसका एंगुलर मोमेंटम हो गया। देखो एक रॉड है, रॉड का मास है एम, लेंथ है एल, और ये एक्स वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है। ठीक है ना, आपको एक्स वाई एक्सिस के अबाउट निकालना है इसका एंगुलर मोमेंटम। तो आप ये देखो इस तरह की कंडीशन है बेटा, ये देखो ये रॉड है, ये एक्सिस है। ठीक है ना, इस एक्सिस के अबाउट रॉड ऐसे घूम रही है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो इसमें प्योर रोटेशन है। ठीक है ना, इसमें कोई ट्रांसलेटरी मोशन तो है नहीं, तो आप क्या लिखेंगे एल इक्वल टू आई ओमेगा। ठीक है ना, आई किसके अबाउट निकालोगे रॉड का, एक्स वाई एक्सिस के अबाउट। ठीक है ना, ये इसका सेंटर हो गया, तो आपको कैसे निकालना पड़ेगा आई जी प्लस एम ए स्क्वायर इन टू ओमेगा। ठीक है, अगर ये एक्सिस सेंटर से जा रही होती तो हम सिर्फ आई जी लिखते, आई जी की वैल्यू क्या होती है एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व प्लस एम, ये क्या कहलाती है सेंटर से जाने वाली एक्सिस, और जो एक्सिस गिवन एक्सिस है इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वैल्यू हो जाएगी एल बाई टू, एल बाई टू का स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर बाई फोर। ठीक है ना, साथ में आएगा ओमेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा वन प्लस थ्री फोर। ठीक है ना, फोर बाई ट्वेल्व हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई थ्री, एम एल स्क्वायर बाई थ्री इन टू ओमेगा। ठीक है, एक आपको डिस्क गिवन है, इसका मास है एम, रेडियस है आर, और एक्स बाई एक्सिस जो कि एक परपेंडिकुलर एक्सिस है, इसके बाद आपको निकालना है एंगुलर मोमेंटम। तो आप ये देखो ये डिस्क घूम कैसी रही, देखो ये डिस्क हो गई। ठीक है ना, परपेंडिकुलर एक्सिस कैसी होगी, ये वाली। ठीक है ना, इस तरह की एक्सिस होगी, इस तरह की एक्सिस, ये दिखाई दे रहा है ऐसे एक्सिस। ठीक है ना, इस तरह की एक्सिस होगी, रॉड ऐसे घूम रही, इसके अबाउट ऐसे घूम रही, हाँ ठीक है ना, इस तरह से रॉड घूम रही है ऐसे, इस तरह का इसका मोशन होगा। ठीक है, अब आप ये देखो इसमें भी प्योर रोटेशन है, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा आई ओमेगा। अब डिस्क का एस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करोगे, फिर वही आई जी प्लस एम ए स्क्वायर इन टू ओमेगा। ठीक है ना, आई जी की वैल्यू कितनी होती है, आई जी डिस्क के लिए सेंटर से जाने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस, एम आर स्क्वायर ओवर टू प्लस एम, एक ही जगह हो जाएगा आर, एम आर स्क्वायर इन टू ओमेगा, इससे आ जाएगा थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया।